पारे वाले की यात्रा की योजना बनेगी, लेकिन यह यात्रा थोड़े अंतराल के बाद कुछ समय के बाद हो ऐसा निर्धारित होगा। कार्य क्षेत्र में यानी कि नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में दिन आपके पक्ष में रहेगा। बहुत लंबे अरसे से चली आ रही आर्थिक समस्याएं आज समाप्त होगी। आर्थिक अस्थिरता दूर होगी। कर्ज और ऋण संबंधी समस्या आज कम गंभीर बन सकती है। नजदीकी मित्रों के द्वारा आपका संपर्क किया जा सकता है। आर्थिक लेनदेन को लेकर आपका वाद विवाद हो सकता है। पारिवारिक जीवन संतोषकारक रहेगा। जीवन साथी से पुराना मनमुटाव आज समाप्त हो सकता है, लेकिन संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या अचानक से ही आज आपके सामने आ सकती है। आपका स्वास्थ्य दिन भर अनुकूल रहेगा, लेकिन किसी नजदीकी रिश्तेदार का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य आपके लिए चिंता या परेशानी का कारण बन सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन लाभदायी साबित होगा। विद्यार्थियों को आज भौतिक सुख में बढ़ोतरी करने वाले किसी संसाधन की प्राप्ति हो सकती है। नजदीकी रिश्तेदार के द्वारा आपको भेंट मिल सकती है। किसी पारिवारिक समारंभ में या कार्यक्रम में आपके द्वारा हिस्सा लिया जा सकता है। शिक्षा से जुड़े हुए कुछ कार्य आज अधूरे या निलंबित रह सकते हैं। महिला वर्ग के लिए दिन पूर्ण रूप से आनंददायी और सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर होगा। घरेलू जिम्मेदारियां निभाने में महिलाओं को आज सहयोग और सहकार मिलेगा। पूरा दिन आनंद और उत्साह में व्यतीत होगा। नजदीकी रिश्तेदारों से जुड़े हुए एक से ज्यादा शुभ समाचार आज महिलाओं को मिल सकते हैं। बुजुर्गों के लिए भी दिन ज्यादातर मुद्दों पर सकारात्मक रहेगा। बुजुर्गों को आज 9 दिनों से रुका हुआ बकाया धन पुनः प्राप्त हो सकता है, लेकिन यह धन पुनः प्राप्त करने में आपका नजदीकी रिश्तेदार के साथ वाद विवाद हो सकता है। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा।